विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। आषाढ़ी एकादशी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र एक ऐसा पर्व को जीता है जिसे वारकरी समाज के तौर पर जाना जाता है, जो विट्ठल रुक्मिणी के पास पंढरपुर करीबन 250 किलोमीटर अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग वयोगटों के लोग, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, सभी लोग मिलजुल कर देहू आलंदी से ये यात्रा चलती है। संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, चोखा मेला, संत तुकाराम महाराज, इनके द्वारा शुरू की गई करीबन 600 साल पुरानी यह प्रथा महाराष्ट्र में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसमें एक जगह से दूसरे जगह के लोग जुड़ते हैं, सभी सेवाकारी लोग जुड़ते हैं, दान प्रदान और उसके साथ साथ भजन कीर्तन में तल्लीन होकर करीबन 250 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए सोलापुर स्थित पंढरपुर, यहाँ पर विट्ठल रुक्मिणी का जो मंदिर है वहाँ पर पहुँचते हैं। और आषाढ़ी एकादशी के दिन यह पूरा जो वारकरी समाज जो यात्रा करते हैं वो संपन्न करते हैं। मित्रों, ये जानकर खुशी होगी कि ये एशिया की सबसे बड़ी ऐसी वारकरी यात्रा है जिसमें करीब करीब 10 लाख तक लोग वारकरी जो है वो सम्मिलित होते हैं। और विट्ठल पंढरीनाथ की जय, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल, इसके भजन कीर्तन से गूंजते हुए वो अपने सारे दुखों को दूर करते हुए एक ही जय घोष के साथ वो वहाँ पर पहुँचते हैं। इस उपलक्ष में मैं आपके साथ कुछ भजन के जो गीत हैं, जो बोल है, वो मैं जरूर आपके साथ सादर करना चाहूंगा। विठू मावली तू मावली जगाची, विठल जो है वो जग के देवता हैं, मावली यानी माँ, जिनके अंदर प्यार है, करुणा है। विठू मावली तू मावली जगाची, मावली तू मूर्ति विठलाची, विठला माय बापा। विठल एक माँ है, एक पिता है, एक मावली है, करुणा है, विष्णु के अवतार हैं। मावली मावली माझी विठू मावली, मावली मावली माझी विठू मावली, काय तुझी माया सांगू श्री रंगा, काय तुझी माया सांगू श्री रंगा, संसाराची पंढरी तू केली पांडुरंगा, केली पांडुरंगा, डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा, डोळ्यातून वाहे माय चंद्रभागा, अमृताची गोडी आज आलिया अभंगा, विठ्ठला माय बापा। ये ऐसी माया है जो आपने पूरे जग में फैला दी है श्रीरंगा, और जो संसार की जो पंढरी है, जो संसार के अंदर जो आपने एक ऐसे मैसेज संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम महाराज के द्वारा, एक भक्त क्या होता है, एक जो गोरा कुंभार जैसी भक्ति के एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे ऐसे भक्तों का के द्वारा आपका जो वजूद है, ये आपने इन शब्दों के द्वारा कि आप माय बाप हो, डोला तुन वाहे माया चंद्रभागा, अमृताची गोड़ी आज आलिया अभंगा, इस अभंग यानी ये जो ओड़ी होती है, जो लाइनें होती है, जो लिखी जाती है एक स्पिरिचुअलिटी के थॉट से आपके सामने प्रस्तुत करते हुए। मावली मावली तूच माझी मावली, मावली मावली तूच माझी मावली, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, पंढरीनाथ महाराज की जय। और आप सभी को आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारे भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े रहें। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में समाज हैं जो अलग अलग यात्राएं करते हैं, उनके बारे में जानकारी लें, उनके साथ जुड़ें। हमारी संस्कृति एक विश्व को संदेश देने वाली है, हम विश्व गुरु के तौर पे उभर रहे हैं। हमारी संस्कृति को एक जो यंग इंडिया है उसे जाने पहचाने, आज ही आप उसके बारे में जानकारी लें कि किस तरह से करीबन लाखों लोग अपनी भक्ति के साथ तुलसी माँ को
अपने सर पर लेके, ताल जो होता है मृदंग, और एक अलग अलग कीर्तनों के साथ, मैसेजेस के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कहीं और होता नहीं है, बस ये हमारी भारत भूमि, महाराष्ट्र भूमि पर ही होता है। मेरे ख्याल से सभी को एक बार और आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भेटला